बिजनौर पुलिस ने अपनी पत्नी का कत्ल करने वाले सनकी पति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी से आए दिन लड़ता रहता था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, लेकिन उसे दोबारा पाने की चाहत में पति ने महिला का हलाला कर दोबारा निकाह कर लिया। इस दौरान आरोपी पति ने महिला को अपने दोस्त के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। आरोपी ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि आरोपी दोनों की हत्या करना चाहता था, लेकिन इस बीच इमरान और इसकी पत्नी के संबंध हो गए थे और तलाक देने के बाद भी वो साथ नहीं छोड़ रहा था। एक दिन ये घर पे आकर के आपत्तिजनक स्थिति में अपनी पत्नी को और इमरान दोनों लोगों को देख लिया। गुस्से में आके इमरान तो भाग गया, लेकिन इसने अपनी पत्नी को समझाना चाहा, वो भी कुछ नाराज भी थी। इसने जो है वहाँ एक चाकू था मीट काटने वाला, उससे गला देकर हत्या कर दी। शाम के 5 बजे का समय था जो इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। उसके बाद ये घर पर मौजूद भी नहीं मिला था, फरार होने की कोशिश नहीं था। इसका पासपोर्ट बना हुआ है, अरब सऊदी अरबिया में गलत कंट्रीज में ये नौकरी भी करता था, भागने की फिराक में था। उससे पहले इसको पकड़ा गया, इसमें इसका पासपोर्ट भी निरस्त कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है और मृतक महिला के बच्चे को पुलिस ने अपने पास ही रखा है। बिजनौर से हाशिम अहमद, पंजाब केसरी टीवी।